अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ, ये सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है। मैं उठ गई थी मनाइल के लिए, तो बस आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया और मनाइल को बस रेडी किया, तैयार किया स्कूल के लिए, क्योंकि आजकल मनाइल जो है ना स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर बिल्कुल नहीं जा रही, तो मना है अभी तक, तो उनकी कोई सख्ती चल रही है स्कूल में, इसकी वजह से वो नहीं, प्रिंसिपल ने नहीं बोला कि इसको भी यूनिफॉर्म अलाउ किया ही नहीं है, तो बस उसको रेडी किया। और मनाइल बड़े मस्के लगा रही थी सुबह सुबह के टाइम, मुझे खूब सारी बातें कर रही थी कि मम्मा ये हुआ, मम्मा लाइट नहीं होती, गले लगा रही थी, प्यार कर रही थी मेरे से, बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। तो बस हम माँ बेटियों के ना ज़्यादा प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी, और बहुत ज़्यादा मुझे प्यार कर रही थी मनाइल। बस मैं भी उसी के साथ ही बिज़ी थी, तो नाश्ते पे लेट हो गई, तो आज मुझे कहने लगी मम्मा मैं ना दाल पूरी खाऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको दाल पूरी मंगवा के देती हूँ। तो फिर भाई बाज़ार इसके बाबा जल्दी से फ्रेश हो गए नहाकर और वो चले गए थे फिर नाश्ता लेने, हम माँ बेटी हैं जो बस आपस में बातें कर रहे थे खूब सारी, यानी कि सुबह सुबह का टाइम था, काफ़ी टाइम मिल गया था बातें करने के लिए ना। वैसे तो नाश्ता बनाती उसको बेचारी को टाइम नहीं देती मनाइल को बिल्कुल, और ये सुबह ही सुबह डांस कर रही थी, मम्मा मैं डांस करूँगी, फिर मेरी उंगली पकड़ के वो डांस कर रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप डांस करो। तो बस ये लगी हुई थी मैं अपने और काम जो कमरे में इतना फैलावा किया हुआ था, आपको पता है कि बच्चे जब कोई चीज़ों पे आ रहे हैं तो फिर उन्होंने पाउडर भी निकालना होता है, कंघे भी निकालने होते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बिखेरा करते हैं, और बिखेरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं साथ के साथ चीज़ों को ना समेटती रहती हूँ कि सारी चीज़ें ना निकल जाएँ। तो बस इसी तरह से मनाहिल मस्तियों में बिज़ी थी, मैं चाय रख कर आ गई थी, और चाय के बाद फिर मैं इसी से बातें, देखो मेरी उंगली पकड़ के डांस करवा रही है, मम्मा ऐसे करते मम्मा ऐसे करते। मैंने कहा आपकी मम्मा को डांस वांस नहीं आता, आजकल बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े जहीन हैं। तो उसने ना आम खाया, ये नाश्ता आज मैंने स्पेशल नाश्ता मंगवाया, ये पूरी, आज हमें पूरी का नाश्ता करना है, और ये पापड़, और ये चाय। चाय तो आजकल हम बहुत कम पीते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कैसी है मनाहिल? अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। पूछो तो सही कैसे हो आप? कैसे हो? देखो आज मैंने नए कपड़े पहने हुए हैं। ओए माशाल्लाह, पूछो कैसे लग रहे हैं मेरे कपड़े? मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। बेल आइकन को भी दबाना, बेल आइकन को भी दबाना। ये मनाहिल ने बोला है, ये मनाहिल का चैनल है, किसका है? मनाहिल का चैनल, मैं हूँ मनाहिल। रुको पैसन जी, रुको रुको। अब नाश्ता खाओ के बोरी और दाल। आप बूढ़ी और दाल खाओ के हम खाऊंगा। आप के थोड़े से और काम थे घर के, मुझे वो करने थे, मैं भी रूम में आई हूँ। मैंने हस्बैंड को बिठाया हुआ था, मैंने कहा थोड़ा मेरा काम है वो मुझे आप करवाएं, तो बस उस काम के लिए हम लोग आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा छोटा मोटा काम है तो करने हैं मुझे। आज मनाइल की अलमारी की थोड़ी सी कुछ सेटिंग वेटिंग करवानी थी, इस वजह से मनाइल की अलमारी को देख रहे ना क्या हाल हुआ पड़ा है सारा।
बस ये, और फिर ये किचन में आ गई थी मैं नाश्ते से फारिग होकर, और नाश्ता भी करवा दिया, मनाइल को भी स्कूल भेज दिया। उसके बाद कुछ रूम में काम था, वो मनाइल के अलमारी का कुछ लॉक वॉक का थोड़ा सा दरवाज़ा टाइट हो रहा था सारा, वो मैंने सेट करवाया था हस्बैंड से। आज वो मैं इसको दिखा रही थी, बस वो भी काम हो रहे थे साथ के साथ, और किचन में भी काम कर रही थी। और आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं और मैं सुन भी रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी आप लोग मुझे दुआएं भी देते हो और याद भी करते हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा सा ये हो रहा है कि मैं ब्लॉग नहीं डेली के शेयर कर पा रही हूँ, उसकी वजह यही कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और सैलून पर भी काम है, और आप लोगों को पता है कि मैं अकेली हूँ तो सारे काम खुद देखने होते हैं तो टाइम नहीं मिल रहा है। एक खुशखबरी भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लास हो रही है तो मैं क्लास में जा रही हूँ इंशाल्लाह, 7 तारीख से मैं क्लास अटेंड करूँगी जाके, तो हो जहाँ भी जो भी सीखूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी भी बताऊँगी भी, लेकिन उनसे परमिशन लेकर फिर, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट पे तो अलाउ नहीं होता हर चीज़ इस तरह से, तो मैं इनसे परमिशन लूँगी उसके बाद ही जो चीज़ें ना आपको मैं दिखाऊँगी। तो जी बस ये साथ के साथ मैं किचन का काम कर रही थी, खाना भी बना रही थी, साथ के साथ मैं ख़ुद भी काम कर रही थी, दूध भी गर्म कर दिया क्योंकि हाउस हेल्पर आ रही नहीं है, उनकी छुट्टियाँ बहुत हो गई हैं और मैं खुद भी बड़ी परेशान हो गई इस वजह से कि सारे काम खुद करने होते हैं और सारी कामों को देखना भी होता है। तो मैंने बर्तन भी धो लिए, साथ के साथ सालन भी बना लिया था, दूध भी गर्म कर लिया था, और रात को मेरी दोस्त आई थी मेरे पास, तो रात को मेरी दोस्त आई थी फिर मैंने यानी कि उसके लिए क्या बनाया, मैंने कुछ भी नहीं बनाया सही बताऊँ, और वो आई भी बेचारी काफ़ी दिनों के बाद थी मेरे पास, तो फिर हमने चाय वाय बिस्किट वगैरह हो गया, फिर मैंने होटल से रात को खाना मंगवा लिया था बाहर से ना, तो ये चिकन वगैरह मंगवाया था। मैं बाहर का खाना कम पसंद करती हूँ लेकिन मजबूरी थी कि मुझे मंगवाना था उनके लिए खाना, तो जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगता ना कि मैं इनको कोई सब्ज़ी बना के खिला दूँ। वैसे मुझे ख़ुद को तो जो सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं आप लोग देख भी रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सब्ज़ियाँ ही बनाती हूँ, और अगर चिकन आया भी है तो हम लोगों ने बिल्कुल कम खाया है बस, यानी कि देखो प्लेट के अंदर कितना सारा बचा हुआ था। तो फिर ये मैं ना साथ के साथ ये किचन का काम भी किए जा रही थी और बातें भी आप लोगों से कर रही थी, लेकिन बस शोर था तो मैंने इसलिए ऊपर से वॉइस ओवर कर दिया, तो मैंने कहा चलो आपको सही समझ भी आएगा। वैसे काफ़ी लोगों की शिकायत है मेरे से कि आपकी आवाज़ बहुत कम आती है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरी आवाज़ तेज़ से आए, लेकिन बस पता नहीं क्या मसला है, अभी मैं थोड़ी सी सेटिंग बनाऊँगी किस तरह से होती है, तो अभी ज़ाहिर सी बात है नया नया ब्लॉग शुरू किया और टाइम भी बहुत कम दे रही हूँ। और आप लोग बताना कि ये कैसा रहा ब्लॉग, आप लोगों को पसंद आया या नहीं, अगर चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मनाहिल ने भी आपको बोला और मैं भी बोल रही हूँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बस आप लोगों के प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, और आपके कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं उससे लग तो रहा है कि यानी कि आप लोग ब्लॉग को पसंद भी कर रहे हैं। तो बस इसी तरह से किचन के काम, और वो हर औरत के लिए इतने सारे किचन के काम होते हैं, मैं अकेली उसमें से नहीं हूँ, औरत चाहे किसी भी डॉक्टर हो, जज हो, वकील हो, कुछ भी हो, हाउसवाइफ, लेकिन वो बनकर ही रहती है क्योंकि उसको खाना भी बनाना है, उसको बच्चे भी संभालने, घर के और भी काम करने होते, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो एक औरत जो है वो कुछ नहीं करती, उसको घर तो पूरी तरीके से संभालना ही होता है क्योंकि उसके अलावा मर्द के बस की बात नहीं कि मर्द पूरा घर चला सके या संभाल सके, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारे काम जो है ना औरत नहीं करने होते हैं, और वही करती है जिस तरह आप लोग करते हो, जिस तरह मैं करती हूँ, तो बिल्कुल इसी तरीके से ही। तो ये ग्वार की सब्ज़ी तो वैसे भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आज फिर मैं ग्वार बना रही थी, और मैं क्या बताऊँ आपको मैं कैसी ग्वार बना रही थी, लेकिन बस ग्वार बना रही थी, मुझे बड़ी पसंद है ना, मैं तो घर में भिंडी ग्वार इतना शौक से खाती हूँ, और आप लोग कैसे बनाते हो तो ज़रूर बताना। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप मेकअप सिखाएं, जी हाँ मैं ज़रूर सिखाऊंगी, लेकिन बस मेरे साथ मसला यही हो रहा है कि मुझे कोई मॉडल नहीं मिल रही, अगर जो मॉडल मिल रही है तो वो बोल रही है कि हम चैनल पे नहीं आएंगे, तो आप लोग बताएं कि मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, मुझे खुद को भी अजीब सा लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आप लोगों के इतने कमेंट्स आ रहे उसका रिप्लाई नहीं दे रही। हाँ रेमेडी वगैरह शेयर करूँगी, तो जिस किस तरह की चाहिए, किसी स्किन के लिए चाहिए, बालों के लिए चाहिए, क्या चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर बताऊंगी। और रही बात मेकअप की, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे मॉडल अगर वीडियो में आने के लिए तैयार है, ब्लॉग्स पे आने के लिए तैयार है, तो मैं फ़ौरन उसी टाइम स्टार्ट करूँगी। रियल काम तो रियल ब्राइड, रियल पार्टी मेकअप वगैरह तो बहुत आ रहे हैं,
यकीन करो कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन वो लोग जो है ना वीडियो वगैरह बनाना अलाउ नहीं है, तो फिर मुझे भी अच्छा लगता कि मैं पार्लर में बैठ के कस्टमर के साथ इस तरह बोलूँ और कि नहीं वो करवाओ तो और वीडियो मुझे बनाने दो। तो आपको पता है कि क्लाइंट के ऊपर बड़ा असर पड़ता है इस बातों का कि कोई इतनी ज़बरदस्ती करे उनके उनके साथ के वीडियो बनाओ ये वो, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वो मेरी रोज़ी है, उसके ऊपर मैं ज़बरदस्ती बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकती किसी के साथ भी। हाँ, ख़ुशी से कोई आना चाहेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। काफ़ी लोगों को इंतज़ार है मेरे मेकअप का कि मेकअप कब दिखाएंगी कब दिखाएंगी करके, तो कोशिश तो मेरी पूरी है, बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। तो जी बस ये किचन के काम भी साथ के साथ हो रहे थे, फिर मैं बाहर आ गई थी तो ये डस्टिंग के काम भी थे। नाश्ता किया था, इतना गंद किया हुआ था डाइनिंग टेबल पर, मनाहिल तो आप लोगों को पता है कि मनाहिल कैसे करती है, पूरे पे बिखेरा किया हुआ था उसने, दाल गिरा दी, फिर ये मैंने सारा साफ़ किया साथ के साथ, ये डस्टिंग वेस्टिंग जो भी है ना ये सारी चीज़ें साथ के साथ किए जा रही थी मैं। तो जी बस ये थी मेरी छोटी सी रूटीन जो सुबह से लेकर 11 बजे तक की होती है, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो जी बस यही थी मेरी रूटीन जो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए, ब्लॉग किस तरह के चाहिए, क्या देखने चाह रहे हो आप, मेरी मेकअप की कलेक्शन देखना चाहोगे, आप मेरी चूड़ियाँ की कलेक्शन देखना चाहोगे, या आप मुझे क्या देखना चाहोगे, ड्रेसिंग कुछ भी हो, बहरहाल आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या पसंद है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। जी हाँ, ये देखो जी कितना मनाइल ने काम किया हुआ था, देखो ये साथ के साथ चीज़ों को ना समेट भी रही थी मैं। तो जी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोबारा कह रही हूँ, तीसरी दफ़ा इसी ब्लॉग में बता रही हूँ आपको, कह भी रही हूँ, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए कल नए ब्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।